आइए नमस्कार प्रणाम। हम आनंद मोहन के छोट भाई बापा भोपट दास। आइए हम और आप आज मिलते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार से भी स्टार भाई झगड़ू लाल यादव से। हम उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब जैसा तब तैसा, नहीं तो फिर मरद कैसा। तो आइए कैमरा मैन से मैं अनुरोध करूंगा का ये झगड़ू लाल जी को दिखाइए हमारे ऑडियंस को। नमस्कार झगड़ू जी, बोलिए कैसे हैं आप? अभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो झगड़ू जी आज बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, चंदन किए हैं, बाल बड़ा सेटे हुए हैं, बाल भी सुंदर ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। आई लव यू झगड़ू जी। और सब बताइए, बढ़िया है नू? बाल बड़ा बढ़िया दिख रहा है, कलर मेट लगाए हैं का? नहीं जी, बलवा तो तंगा सा कलर मेट लगा लिए हैं, बलवा अभी ना सोते हैं, यही चलते बढ़िया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आई काला कोट कौन कंपनी में खरीदे हैं? बड़ा लाइट दे रहा है, दान कीजिएगा क्या? ये कोटवा है ना, जो पहले भैया खरीदे थे, खेसारी भैया। अच्छा अच्छा, पुरगमावा तो देख ले कोनो फिल्म में। अच्छा हाँ, मेहंदी लगा के रखना में एक बार देखे थे हम शूटिंग पर, ये गोरा पहले थे। तो ये दू गो खरीदाए था। अच्छा अच्छा अच्छा, एगो भैया पहनते हैं, एगो हमको दे दिया अपना पसंद से। ओहो बड़ा बढ़िया है। ता चलिए मजाक वाली बात अब खत्म हुआ, अब हम सीरियस में आते हैं। सुने हैं आपका वो फिल्म आया है, कौन फिल्म का नाम है हमारे दर्शक को बताइए, और उसमें कितने स्टार कास्ट लोग हैं सब बताइए। तो हमारे फिल्म का नाम है झगड़ू के सुहागरात, और बहुत सारे स्टार लोग हैं, जितना का नाम नहीं बता सकते, जैसे बहुत है खेसारी उसारी जी है, अक्षरा सिंह है, बहुत अंजना सिंह है, बहुत है। तब अच्छा, ये लोग से मैंने साइन ऑन हो गया है, बातचीत हो रहा है, चल रहा है। अभी बातचीत चल रहा है, मगर साइन ऑन अभी नहीं हुआ है। अच्छा, उसमें गाना किन किन लोग से गवा रहे हैं, कितने स्टार का है उसमें गाना गाएंगे? हमको तो लगता है कि अथी एगो तो भाई के गाना डाल देते खेसारी भैया के, एक दो तीन गो पवनो भैया के गानवा के डाल देते तो बहुत अच्छा होता। हम तो गैबे करते हैं, मन था पूजबो के गाना लेके यही में डाल देते हैं। हाँ, आपका एगो गाना हम दर्शक लोग के कहना चाहेंगे कि आपका ये गाना पाकिस्तान तक ले बड़ा बढ़िया बजा है। हाँ, गाना बजल होगा, भयानक गानवा था, विराट अभी बचा बा। हाँ, वही गाना लेकर हम चर्चा कर रहे थे, और कहन का आज हम गुजर रहे थे इधर से मोतिहारी से, तो सोचे हम झगड़ू भाई से थोड़ा मिल ले। तो आई कह रहे थे कि आपका शादी उदी हो गया है कि अभी कब आ रहे हैं? अभी तो शादी उदी के बातचीत नहीं चला है, लेकिन फिल्म कर रहे हैं, फिल्म के बात चल रहा है। अच्छा झगड़ू जी बताइए, आप शादी किसे करना पसंद करेंगे? आपका फिल्मों है झगड़ू की सुहागरात है नू, ककरा से शादी करना पसंद करेंगे? पहले जो मेरा हीरोइन बनेगी, अंदाज रखेंगे कि उसी से करेंगे, क्योंकि चुना गया है तो पूजवा के, तो पूजवा के तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ओकरा पर सब बड़ा गंदा गंदा गाना गा रहा है, ये पूजवा बदल गई, ये पूजवा लार हो जाइए इस तैयो, लेकिन चुन लिया है। अच्छा चलिए, आगे के प्लान आगे बताएंगे। अच्छा, हमारे ख्याल से ये है कि अगर उस फिल्म में सनी लियोन को अगर रखा जाए आपके हीरोइन के लिए, तो कैसा रहेगा ये बताइए? कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, मंगाइए ना। अच्छा, आप अपने डायरेक्टर से बात किए, मंगवा रहे हैं यही ना? हाँ हाँ, मंगवाइए। और झगड़ू जी हमें कहना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में वो पेपर में देखे हैं कि वो कोनो 20 लाख के गाड़ी खरीदे हैं, विदेश से मंगवाए हैं, कि 20 ना 80 लाख के गाड़ी है कोनो आपके पास हाल फिलहाल में कोनो खरीदे हैं? पेपर में आया था झगड़ू लाल की नई सवारी, कहाँ से लाए हैं वो गाड़ी? वो बहुत दूर से लाए हैं, मतलब वो उड़ीसा से मंगवाए हैं, शूटिंग में होगा तो हम पैदले थोड़ी जाएंगे। हाँ पैदल नहीं, उसमें बेइज्जती होता है, ऐसे आप स्टार स्टार हैं, आपको लोग गाड़ी से ले जाए, चौचरी पर ले जाए, चाहे कान्हा पे टांग के ले जाए, आप स्टार हैं, आप उसके लिए भगवान हैं। तो अच्छा चलिए, कोनो बात नहीं, गाड़ी आपने महंगा खरीदा है, इधर में हाल फिलहाल में हम सुने हैं कि आपको लालू जी से बराबर बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? लालू जी जेल से छूटने वाले हैं कि नहीं? अब ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन लालू जी छूटेंगे, तुरंत छूटेंगे, वो भी जब शूटिंग होगा तो लालू जी के बुलाया जाएगा सेट पर।
और लालू जी जब तक रहेंगे तब तक शूटिंग होगा। अच्छा अच्छा, लालू जी रहेंगे तभी शूटिंग होगा काहे। अच्छा एक सुने कि अभी आप लोग के बीच में भी चर्चा चलता होगा बाबा राम रहीम, उनका कोई रोल है उस हिसाब से आपके फिल्म में? हाँ है, रोल है। वो हमारे डायरेक्टर राकेश जी जो है वो राम रहीम बाबा के कैरेक्टर वही करेंगे, डायरेक्टर साहब राकेश जी। अच्छा अच्छा, उसमें जो क्या बोलते हैं वो सब जो लड़की लोग का जो सब सीन है वो क्या कहते हैं, अब 80 न 85 हमारा 90 चाहिए, 80 न 85 हमारा 90 चाहिए, तो इसमें वो 80 ने ये जो आप गाना सुने थे गाना भी है 80 न 85 हमारा 90 चाहिए। हाँ, मार्केट में हिट मेटर है, हिट गाना है, लड़की हिट है। पूजा आपकी साली उलीट ना लग रही है का, हमारा दर्शक को बताइए। साली नहीं है वो अपनी है, मतलब फिल्म में अपना फिल्म में काम कर रही है, अपना हीरोइन है, कोई इसमें ये साली उली कहने वाली बात नहीं है। उसको तो रखे हैं कि हीरोइन के करेक्टर करने के लिए और थोड़ा देखने में टॉप है, तो उनको रखने से और उनको रखने से है कि थोड़ा थोड़ा हमारा भी सेवा मिलेगा उससे, इसलिए उसको रखे हैं हम। अच्छा सेवा बोले तो मैंने बहुत तरह का सेवा होता है, कैसा सेवा? गाना में कोऑपरेट करेगी फिल्म में? अच्छा हीरोइन है ना? ओ का कहें का है ना कि हम लोग बुढ़ारी छा गया है, अभी ड्यूटी लगा दिए है बिंदास भाई, तो हमारा करना पड़ेगा ना तो अवस्था है अब हमारा मीडिया पार्टी काम करने का, बड़ा आराम करने का समय है। फिर हम तो बड़ा धन हो गए आप जैसे स्टार से मिल के, समझे कि नहीं? अच्छा ये बताइए आपको वो अपना बचपना में ओका बोका खेले है कि नहीं? टोनी मोनी खेले रही लेकिन सके जोड़े उतना ना, लेकिन हाँ पूजवा जोड़े एक आध बेर मौका नहीं के मिलत का कोई तरह बाबा। आ ये टोनी या बिंदास बाबा के दोनों के जति बा न कौन सी टोनी से बात ना करो। अरे का हुआ ऐसा कर बीमारी धर लिया। अरे हंसिए मत, अरे मजाक, अरे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, इस बात को सीरियस मत लीजिए, हम लोग मजाक में कर रहे हैं, कोनो बात नहीं है, पूजवा साली लगता है। देखिए आप हमारे फिल्म को मजाक नहीं उड़ाइए, आप लोग मजाक उड़ा के आप बिंदास बाबा ये आप लोगों के हम फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा सॉरी सॉरी सुनिए ना, अच्छा ये बात बताइए, अच्छा वो फिल्म में आइटम डांस कै गो गाना है हमारा तेन बताइए तो? आइटम सॉन्ग है 2-3 गो, आइटम सॉन्ग भी है, ऐसा कोई बात नहीं है। जब फिल्म बन रहा है झगड़ू के सुहागराज तो सारा चीज उसमें बनेगा, सारा चीज आप लोगों को देखने के मिलेगा, कोई ये आइए अति अबला आप सोचिएगा इन्ने उन्ने वाला गाना सा, तो हमारा फिल्म में उसे गाना नहीं चलता है। हमारा फिल्म में वही गाना चलेगा जो सारा दुनिया सुन सके, सारा दुनिया देख सके। अच्छा ऐसा बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बात और पूछने को मन कर रहा है। बोलिए। आजकल ठंडा तो बड़ू पड़ रहा है। अच्छा सवेरे में कितना बजे आप जग जाते हैं ठंडा के मौसम को देखते हुए? ठंडा है तो क्या हो गया, हम तो 2 बजे जग जाते हैं। अच्छा 2 बजे जग जाते हैं। अच्छा एक्सरसाइज करते होंगे, जिम वगैरह सब चीज बाकी? 1 घंटा जिम करते हैं, 2 बजे जगते हैं तो 3 बजे तक जिम करते हैं, 4 बजे नाश्ता उस्ता कर लेते हैं, 5-6 बजता है तो तंगाई कॉल जाते हैं शूटिंग करने के लिए। अब अभी तो शूटिंग नहीं चल रहा है, लेकिन कॉल जाते हैं देखते हैं मार्केट में कैसे कैसे क्या हो रहा है। डायरेक्टर साहब अच्छा अच्छा, कहीं मन लायक कोई लड़की हीरोइन के लिए मिल गई तो? अच्छा अच्छा हाँ, आगे क्या ड्रीम है आपका ये बताइए, यानी जिम कर रहे तो इसका मतलब है कि अगला फिल्म तक ग्रेट खाली नहीं तो सलमान खान जरूर बन जाइएगा, है ना? देखिए ना सलमान खान तो हम बनिए जाएंगे। अच्छा तन छुप रे कार, बॉडी तो बड़ा बढ़िया, हमको लगता है अगला फिल्म तक सलमान खान जैसन बॉडी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे कल तक न्यूज, और फिर मिलते हैं हम झगड़ू भाई से अगले बॉडी फिटनेस के बाद। तो झगड़ू जी आप हमारे दर्शक के लिए 2 शब्द रखेंगे? जी हम अपना भोजपुरिया सुधा समाज लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करता नहीं, हम बतावे जा रहे बानी कि भैया अभी सरस्वती पूजा खत्म करके हमारा शूटिंग पर निकले के बाद जब शूटिंग वूटिंग हो जाए, जब चाहे सेट पर जाम तो फिर रहुआ लोग से एक बार हम जरूर मिल लें, ठीक बा? प्रणाम।
ये सब बात के कौन ध्यान न रखे के सब इंटरटेन कर तनी बैठ के मनोरंजन खातिर वीडियो बाटे अगर अच्छा लागे तो तनका शेयर कर दे। ठीक बा, प्रणाम, नमस्कार।